भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से बसों का काफिला अलवर के मालाखेड़ा रवाना कर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रेस को संबोधित किया। बसों और चौपहिया वाहनों से 1000 से अधिक कांग्रेस व लोक दल के कार्यकर्ता मालाखेड़ा रवाना हुए हैं। देखो, हमारा 1000 से ऊपर का टारगेट है और वो सभी लोग जा रहे हैं किस्तों में। अब एक होप रवाना हो चुका है, दूसरा एक शाम को जाएगा जो यात्रा में शामिल होगा, पद यात्रा में शामिल होगा। आज मालाखेड़ा में जो जनसभा की गई है उसके लिए रवाना हो गया। मुझे खुशी है कि यहाँ से लोक दल और कांग्रेस के संयुक्त रूप से लोग यहाँ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और हमारे खुद जिला अध्यक्ष और लोक दल के संतोष पोजदार जी के नेतृत्व में लोक दल के कार्यकर्ता जा रहे हैं और वहाँ अपनी एक जो है सहिष्णुता जाहिर करेंगे और जो मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, डर भय नफरत को लेकर के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे और एक एक एकजुटता का लोक दल और कांग्रेस की जो एकजुटता है राजस्थान में उसका इजहार वहाँ जाकर करेंगे। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।